हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि रेलवे का जो ऑल शिफ्ट का जो ग्रुप डी का पेपर है 135 शिफ्टों का, जिसमें आपको 13,500 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें से अभी देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चंस तो प्रोवाइड कर दिए होंगे। उसके बाद अभी जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे मिलते रहेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर मार्शल आर्ट की किस एक शैली है? कौन सा? थांगता। याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना, ये अभी मणिपुरी का जो एक मार्शल आर्ट है उसमें ये संबंधित होता है, थांगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2017 जीती? याद रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है विश्वनाथन आनंद के रूप में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते ही आपको मैं बताऊंगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है, तो वनीला का उपयोग जो है ना सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित रखते हैं? तो फ्रेंड्स, अर्जेंटीना से संबंधित रखते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपका जो है लियोनेल मेसी किस देश से संबंधित रखते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्लीज़ आप कमेंट करिए, ताकि जितने भी मैं प्रोत्साहित होकर और भी क्वेश्चन वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो प्लीज़ क्वेश्चन को समझिए और कमेंट करते रहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट इसमें से कौन सा नहीं है? तो कैरा जो है ना आपका, ये इसमें से ब्रायोफाइट नहीं है, जबकि मार्सेंटिया, रिशिया, फनेरिया, ये सारे के सारे ब्रायोफाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डाउटेड देन इट्स वेवलेंथ विल बी हाफ द ओरिजिनल। देखिए याद रखिए फ्रेंड्स, क्या बोला गया है इसमें, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। एक वेव क्या अगर डबल हो जाता है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेव की। ठीक है ना, तो मैं बात करता हूँ, वेव जो फ्रीक्वेंसी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव का। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी होगा उसका अगर डबल करने से उसका क्या होगा, ये इसका आधा हो जाता है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो आर्गन जो है ना 17 संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 भुजाओं वाला समभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स 299 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चूज द ऑर्गेनाइजेशन दैट डजंट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉलोइंग ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, IISc ये आपका बेंगलोर में, IIM अहमदाबाद में, NIT वारंगल, सभी को पता है, सब NIT हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो वारंगल में भी होगा, ऑब्वियसली होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में, यहाँ पर इसका जो है ना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के संशोधन की इस रिपोर्ट के को सामान्यतः मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1918 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा? सभी को पता है फ्रेंड्स, ये इसको आप कर लीजिएगा, रविवार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये आप देखिए लेंस का सूत्र क्या है, इसमें से लेंस का सूत्र इसमें बोला है कि क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी फाइंड की गई है, इसलिए इसमें आपको बताया नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा खुद से। Fe+CuSO4, इसमें फिर रेस टू FeSO4+Cu, जो गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी अर्थात पारा का जो इसमें से कौन सा ओर एस्क है? तो ये आपका सिनेबार, आपका जो सभी को पता है फ्रेंड, सिनेबार जो होता है ना पारा का, आयस जो है ना पारा है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगस्त 2018 के अनुसार AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु की ये क्षेत्रीय पार्टी है। याद रखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्रीमी जो है ना हाथीपाव का कारण होता है? तो फ्रेंड्स फाइलेरियल वर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर पैनी का घर पश्चिमी मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन की दाहिनी तरफ आएंगे। प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन ईस्ट दिशा में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये दक्षिण दिशा में स्थित है। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में आपको हम बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगी उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है, तो सुखद यात्रा को लॉन्च किया है। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं ना, तो हानिकारक विकिरण है। इन विच सिटी विल इंडिया फर्स्ट डिफेंस इंक्यूबेटर्स कम्स अप, तो हैदराबाद में जो पहली भारत की डिफेंस इंक्यूबेटर्स कम्स अप आई हुई हैं, ठीक है, तो हैदराबाद में हुई है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक में संबंधित है, फ्रेंड्स आपको एस ब्लॉक में संबंधित है। निम्न में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको बता दो कि ये जो अवसाद है इनसे संबंधित नहीं है, तो पारा पैराफिन नारियल तेल, तीनों में पारा पैराफिन नारियल तेल एक तीनों से संबंधित हो जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए चलिए ठीक है। केंद्रीय बजट 2018 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह सेला दर्रा में एक सुरंग का निर्माण करेगी। सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है, फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सुकन्या दक्षिण की तरफ ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग में बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं, तो रेलवे। सभी को पता है फ्रेंड्स, इसकी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी को अगर चेंज करना है तो हम लोग को किसके कौन सा मुख्य साधन है फ्रेंड्स, तो रेलवे। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं, तो पुष्प में स्थित होते हैं, किस में, पुष्प में स्थित होते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, याद रहे फ्रेंड्स, ये फ्रीजिंग पॉइंट में इवेपोरेशन नहीं हो सकता, एट फ्यूजन टेम्परेचर में भी इवेपोरेशन नहीं हो सकता, एट बॉइलिंग पॉइंट में भी इवेपोरेशन नहीं होता, सारे के सारे टेम्परेचर्स में भी ये इवेपोरेट कर सकता है, लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट, फ्यूजन टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट में भी इवेपोरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन में हम बाद में डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है फ्रेंड्स, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपको मैं बता दूं कि वेलोसिटी और टाइम दोनों मोमेंटम में जुड़े हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देख लेना है। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है, तो एमाइलेज जो है ना एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये इसमें आपका डिस्क्रिपेंसी फाउंड की गई है, MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के डैश अणु होंगे, तो आपको इसमें आपको क्या करना देना है, इसमें आपको फॉर्मूला लगा देना है मोलरिटी या मोलरिटी का, ठीक है ना, तो इसमें आपको पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सभी को पता है फ्रेंड्स, ये MS धोनी है, आपको टीवी में देखने को मिल जाएंगे। गेमिंग प्लेटफॉर्म जो ड्रीम 11 का जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं MS धोनी करते हैं, कौन करते हैं एडवर्टाइजमेंट, MS धोनी। और आपको ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स MPL, अभी ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है कि MPL का एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म, ये भी आपका गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली, याद रखिएगा फ्रेंड्स विराट कोहली, क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है, तो तापी जो है ना, सूरत से बहकर होने होकर बहने वाली नदी है तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा 196,024 किलोमीटर स्क्वायर, ये गुजरात का क्षेत्रफल है। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है, तो जो आपका हो जाएगा टीना लेड हो जाएगा, यहाँ पर लेड नहीं होगा, यहाँ पर SN हो जाएगा, SN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, PCA बैंकों की वित्तीय स्थिति की देखरेख का पर्यवेक्षी निकाय का पूर्ण रूप क्या है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आपका हो जाएगा PCA का फुल फॉर्म, मतलब इनडायरेक्टली मतलब पूछा गया PCA का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2017 में हिंदी के किस प्रतिष्ठित लेखक को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो कृष्णा सोबती, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ फ्यूल फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सरफेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड डैश फ्यूल, तो इसको फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो अंडर द सरफेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर, इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, मतलब जीवाश्म जो होते हैं ना जीवाश्म, वही आपके अंडर द डिकम्पोजिशन के ऑर्गेनिक मैटर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्रमानुसार बोल लिखना है इसमें, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया, कौन सा जो है ना अनुपात क्या होगा, अनुपात 1:1:3, यह आपका हो जाएगा आपका एक्वा रेजिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
ये मैथ्स के क्वेश्चन है, ये मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन ब्रिंग ग्रेटर डाइवर्सिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जो है ना ब्रिंग करता है ग्रेटर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को चेंजेबल करने के लिए यही जो ना सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यूजबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैथ्स क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, मैथ्स क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, अच्छा ठीक है ये आपका जीके आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो फ्रेंड्स अथर्ववेद जो आपको जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ 2017 पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभांगी स्वरूप डैश में महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी है, कौन बनी है? भारतीय नौसेना की महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रमुख में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सबसे युवा भारतीय गोल्फर कौन है? तो फ्रेंड्स शुभंकर शर्मा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीव मिल्खा सिंह कौन है, अनिवरण लाहिनी कौन है, ज्योति रंधावा कौन है, इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी लेना आपके लिए आवश्यक बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।